दो ओवर में गिरे 6 विकेट, महज 44 रन पर पूरी टीम लौटी पवेलियन। टी20 क्रिकेट का खेल ऐसा रोमांचक होता है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड में विश्व खत्म होने के बाद इन दिनों टी20 ब्लास्ट का सीजन खेला जा रहा है। रोज रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। गुरुवार को ओवल के मैदान ग्लैमॉर्गन और सरे के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें चौके छक्के नहीं बल्कि विकेटों की झड़ी लग गई। दो ओवर में ही ग्लैमॉर्गन के 6 विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और ग्लैमॉर्गन की पूरी टीम सिर्फ 44 रन पर ऑल आउट हो गई। सरे की टीम ने ओवल के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए ग्लैमॉर्गन को 142 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ग्लैमॉर्गन की टीम 13वें ओवर में महज 44 रन पर ही सिमट गई और सरे ने 97 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्लैमॉर्गन ने अपने पहले 5 विकेट 33 रन पर ही गंवा दिए थे। इसके बाद आखिरी के 5 विकेट सिर्फ 11 रन पर गिर गए। सरे टीम के जीत के हीरो रहे टॉम करन और इमरान ताहिर ने मिलकर दो ओवर में ही ग्लैमॉर्गन के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करन ने दो ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल है, जबकि ताहिर ने 3 ओवर में 8 देकर 3 विकेट हासिल किए। ताहिर ने एक ही ओवर में 3 विकेट झटके। ताहिर के पास भी हैट्रिक लेने का मौका था, लेकिन वह चूक गए। टॉम करन ने अपनी हैट्रिक में सबसे पहले उन्होंने डेविड लॉयड को 4 रनों पर बोल्ड कर अपना पहला विकेट लिया। इसके बाद कॉलिन एनग्राम को स्लिप में कैच कराया और अगली गेंद पर करन ने बिली रूट को भी स्लिप में कैच कराकर अपनी हैट्रिक पूरी की। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए।